Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के महाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं वकार हुसैन। नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अमवात के बाद हलाकतें 197 हो गईं। नए केसेस सामने आने के बाद मजमूई केसेस 9,505 तक जा पहुंचे। लॉकडाउन का सामना करने से आलमी बिरादरी को कश्मीरियों की तकलीफ का अंदाज़ा हो रहा होगा। वज़ीरे आज़म कहते हैं मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी सियासी व अस्करी कर्फ्यू 8 माह से बग़ैर किसी इमदाद के जारी है। फैसल ईदी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। फैसल ईदी के साहबजादे साद ईदी ने कोरोना टेस्ट के मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। वफाकी काबीना की पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने की मंजूरी। पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 साल में कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। नून लीग ने वीडियो लिंक पर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत ना करने का ऐलान कर दिया। लीगी रहनुमा कहते हैं अवाम के हकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक मजीद 8 अमवात के बाद मुल्क में मोहल्लिक वबा से हलाकतों की मजमू तादाद 197 हो गई है, जबकि मजीद नए केसेस सामने आने के बाद मुसद्दिका मरीजों की तादाद 9,505 तक पहुंच गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहां 74 अफराद का इंतकाल इस वायरस की वजह से हो चुका है। सिंध में 66, पंजाब में 45, बलूचिस्तान में 6, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में 3-3 अफराद इस मोहलिक वायरस के बाइस हलाक हुए। मुल्क भर से अब तक कोरोना के मजीद 375 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में मजीद 286 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। पंजाब में अब तक कोरोना वायरस के मजीद 84 केसेस सामने आए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के अब तक 4 केसेस सामने आए हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस का 1 केस सामने आने के बाद केसेस की तादाद 50 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 139 नए केसेस सामने आए, जबकि मजमूई केसेस 1,274 हो गए। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 33 केसेस सामने आने के बाद केसेस की तादाद 465 हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में मजीद 18 अफराद में मोहलिक वायरस की तस्दीक हुई। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 281 हो गई। वज़ीरे आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि आलमी बिरादरी को ख़ुद लॉकडाउन का सामना करने से अब कश्मीरियों की तकलीफ का अंदाज़ा हो रहा होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि तमाम तरबती माली मवासिलाती और गजाई इमदाद की फरहमी के बावजूद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वबा के दौरान लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। गालिबन अक़वामे आलम अब मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम की तकलीफ का अंदाजा लगा सकती है, जिन्हें बदतरीन जबर का सामना है। इमरान खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी सियासी और अस्करी कर्फ्यू गुज़िश्ता 8 माह से ज़ायद अरसे से बगैर किसी तिब्बी माली मवासिलाती और गजाई अमदाद के जारी है। हकीकत तो यह है कि नस्ल परस्त नजरिए हिंदुत्व की पैरोकार मोदी सरकार ने यकीनी बनाया है कि इस नाकाबंदी के दौरान अहले कश्मीर बुनियादी अशिया जरूरिया से भी यकसर महरूम है। ईदी फाउंडेशन के सरबरा फैसल ईदी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। उन्होंने कोरोना का टेस्ट 2 रोज कबल कराया था। इस हवाले से मजीद जानते हैं। फैसल ईदी के
साहबजादे साद ईदी ने फैसल ईदी के कोरोना टेस्ट के मुस्बत आने की तस्दीक करते हुए कहा है कि फैसल ईदी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। उन्होंने बताया कि कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर फैसल ईदी करंटीना में चले गए हैं। साद ईदी का ये भी कहना है कि उनके खानदान के दीगर अफराद कराची में ही है, सिर्फ मैं वालिद के साथ इस्लामाबाद में हूँ। ईदी हुकाम ने बताया है कि फैसल ईदी में कोरोना की कोई भी अलामत नहीं थी। उन्होंने दो रोज कबल एहतियातन कोरोना का टेस्ट कराया था जो मुस्बत आ गया। ईदी हुकाम का मजीद कहना है कि फैसल ईदी एक हफ्ता कबल कराची से लाहौर गए थे। ईदी हुकाम का ये भी कहना है कि फैसल ईदी ने 15 अप्रैल को इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात की थी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की वबा फैली हुई है। पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं और जो मुतासर अफराद हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं ताकि उनको नुकसान ना पहुंचे। मुझे भी इन खिदमत की अंजामदही में कोरोना पॉजिटिव हुआ है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को हुआ है और वो बिल्कुल सही हो गए हैं और मैं भी इंशाल्लाह सही हो जाऊंगा। और बहुत सारे जो दीगर लाखों की तादाद में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि वो भी बिल्कुल ना घबराएं और परेशान ना हों। वफाकी काबीना ने तवानाई के शोबे में घपलों से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इजलास में रिटायरमेंट के बाद सरकारी रिहायशगाह से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी की भी मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत वक्त से पहले रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन 6 माह से ज्यादा सरकारी रिहायश इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वफाकी काबीना ने तवानाई के शोबे में घपलों से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने की मंजूरी भी दे दी। इजलास के बाद वजीर आजम इमरान खान की मौम ने खसूसी बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि काबीना ने मुस्ताबकती कमीशन की तश्कील 9 से मुतालिक सिफारिशात की मंजूरी दे दी। कमीशन को जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। मुसाबकती कमीशन माजी में मखसूस शख्सियात को तहफ्फुज़ देता रहा, इसके खिलाफ 27 दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं। मुसाबकती कमीशन के स्टेक होल्डर्स ने रियासत के 27 अरब रुपए वापस करने हैं। रिपोर्ट में बताया गया है की ज्यादातर IPPs के पे बैक का दौरान या 2 से 4 साल के दरमियान रहा। 16 IPPs ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और 415 अरब रुपए से जायद का मुनाफा हासिल किया। नून लीग ने कौमी असम्बली के वीडियो लिंक के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। लीगी रहनुमा ने कहा, पार्लियामेंट को मौतल करना आईन के साथ मजाक है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकीन पार्लियामेंट का कहना है कि किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते, अवाम के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। ख्वाजा आसिफ ने लीगी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि वर्चुअल इजलास बुलाए, मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी जानना अवाम का हक है। हम बहसियत अपोजिशन इकदाम पर सवाल करने का हक रखते हैं। उन्होंने कहा कि बताया जाए इकदाम सियासी हैं या कौमी। पार्लियामेंट को मुअत्तल करना आइन को बिगाड़ने के मुतरादिफ है। सैनेट और कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए हर हरबा अपनाएंगे। आइंदा 2 माह में बजट आने वाला है। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे।